हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज ट्वेंटी टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस एक्सरसाइज द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द एवरेज प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स ऑफ राइस इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव ऑफ सम लार्ज वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रीड द बारग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये बारोग्राफ आपकी आपको अपनी कॉपी में बनाना है ग्राफ के लिए अलग से कॉपी बनाई जाएगी आपको अपने कॉपी को बनाना उसमें बारग्राफ बनाना और ब्लैंक पेज वो बारग्राफ पोर्शन में और जो लाइनिंग वाला पोर्शन है इसके आंसर्स उसमें देने हैं तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इंडिया में तो इंडिया का जो दिया हुआ है वो देखिए मैं इसको जूम करता हूँ आपको इंडिया का जो दिया हुआ है वो प्रोडक्शन आपके पास कितना है हंड्रेड मिलियंस टंस यानी इंडिया का जो वीट प्रोडक्शन है वो हंड्रेड मिलियन टन है ना तो हंड्रेड मिलियन टन्स इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है और आंसर भी कॉपी में ही देना है ये आंसर ठीक है अब आपके पास ग्राफ के लिए अलग से कॉपी बनेगी विच कंट्री हैज़ द मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ़ प्राइस सबसे कम किस कंट्री का प्रोडक्शन है तो जिसका ग्राफ सबसे नीचे गया तो यह बारग्राफ सबसे नीचे गया बांग्लादेश का तो इसका आंसर हो गया बांग्लादेश ठीक है ना विच कंट्री प्रोड्यूसेस सेवेंटी मिलियन टन्स ऑफ राइस तो कौन सा कंट्री है जिसका सेवेंटी मिलियन टन्स ऑफ ये क्वेश्चन रह गया इसमें विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस ठीक है ना तो सबसे ज़्यादा किस कंट्री का मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है तो सबसे लंबा बारोग्राफ जो है ये है तो ये चाइना सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन करता है ठीक है अब आपके पास पूछ रहा है विच कंट्री प्रोड्यूस सेवेंटी मिलियंस टनस ऑफ राइस कौन सा कंट्री है सेवेंटी मिलियंस राइस प्रोडक्शन करता है तो देखते हैं बारोग्राफ में तो सेवेंटी मिलियंस के आगे ये है वो कंट्री है थाईलैंड तो इसका आंसर हो गया थाईलैंड ओके स्टूडेंट्स तो आपको ये क्वेश्चन ये बारोग्राफ बनाना है ठीक है ना बारग्राफ आपको बारग्राफ पोर्सन में बनाना है और आपको ये क्वेश्चन आंसर लाइनिंग वाले पोर्शन में करने हैं नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ ऑफ दिस एक्सरसाइज रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि डेली इज द स्टेट विच रिसीव्स मिनिमम या मैक्सिमम इन दोनों में से आना है तो डेली में सबसे ज़्यादा मिनिमम यानी मिनिमम क्या बोला है? कि ये रेनफॉल है मेजरमेंट ऑफ रेन फॉल इन मिलीमीटर यानी मिलीमीटर में सबसे कम डेली में जो है सबसे कम बारिश होती है या सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो सबसे बार अगर आप डेली का नीचे है तो ये सबसे मिनिमम हो गई तो इसमें मिनिमम इसका आंसर होगा मैक्सिमम को कट लगाएंगे और यहाँ मिनिमम पर टिक लगा के सब यहाँ फिल कर देंगे नेम द ऑफ द स्टेट विच मैक्सिमम रेनफॉल सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वो है इसमें महाराष्ट्र महाराष्ट्र का बारोग्राफ है ये तो इसका आंसर हो गया महाराष्ट्र ठीक है ना अब बिच स्टेट हैज़ 500 हंड्रेड मिली मीटर ऑफ रेनफॉल तो 500 हंड्रेड मिली मीटर जो होता है वो यहाँ इसके सामने मैच करेंगे तो गुजरात आ रहा है तो गुजरात में 500 मिलीमीटर mm मिली बारिश होती है पंजाब रिसीव्स मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पंजाब जो है कितना रेनफॉल रिसीव करता है तो 300 इसका यहाँ 300 पंजाब के सामने तो ये बारोग्राफ भी आपको अपनी कॉपी पर बनाने और तब इसके आंसर्स देने ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज द फॉलोइंग बार ग्राफ़ रिप्रेजेंट द एवरेज मंथली फीस चार्ज बाय द पब्लिक स्कूल ऑफ अ सिटी ओवर पीरियड ऑफ सिक्स ईयर्स सिक्स ईयर्स का पीरियड है टू से लेकर टू तक ठीक है ना रीड द बारोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनस अब आपके पास टू थाउजेंड में ये फोर हंड्रेड और फाइव हंड्रेड करी गई टू थाउजेंड टू में और सिक्स हंड्रेड करी गई टू थाउजेंड थ्री में और सेवन हंड्रेड रिसीव करी गई हमारे पास टू थाउजेंड फोर में और टू थाउजेंड फाइव में सिक्स हंड्रेड दोबारा ठीक है तो ये इसके आंसर्स देने आपको वॉट इज द पीरियड कवर्ड इन द बारोग्राफ यानी कि ग्राफ में कितने पीरियड कवर करे गए हैं तो सिक्स ईयर्स का पीरियड कवर करा गया है ओके नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हाओ मच वॉज द इंक्रीज़ इन द फीस फ्राम टू थाउजेंड से लेकर टू थाउजेंड फोर तक कितनी फ़ीस इंक्रीज़ हुई तो टू थाउजेंड वन में कितना फीस थी तो टू थाउजेंड वन में फोर हंड्रेड थी अब टू थाउजेंड फोर में कितने हो गया 2004 में जो फीस इनक्रीज वो हो गई सेवन हंड्रेड तो इंक्रीमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का आया तो इन दोनों को डिफरेंस कर कर लेंगे सेवन हंड्रेड में से फोर हंड्रेड माइनस करेंगे तो थ्री हंड्रेड का डिफरेंस आ गया फीस में ठीक है ना वैन वॉज द फीस मिनिमम यानी किस ईयर में फ़ीस सबसे कम थी तो टू थाउजेंड वन में सबसे कम फीस थी बार ग्राफ में देखिए सबसे कम टू थाउजेंड वन में थी फोर हंड्रेड अब पूछ रहा है कि वार्ड वाज द मैक्सिमम फीस सबसे किस ईयर में सबसे ज़्यादा फीस थी तो टू थाउजेंड फोर में सबसे ज़्यादा फीस थी ठीक है ना तो उसमें और सेवन हंड्रेड थी वो डेट द फीस इंक्रीज़ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली यह पूछ रहा है कि इस इन जो फीस इंक्रीज हो रही है तो हर बार बराबर बढ़ रही है यानी फर्स्ट ईयर में आपके पास यहाँ फोर हंड्रेड से ये फोर हंड्रेड फिफ्टी हो गया फोर हंड्रेड फिफ्टी के बाद ये फिर हंड्रेड रुपीज़ बढ़ा दिया यानी सबों में हर बार जो है फाइव फिफ्टी फिफ्टी का डिफरेंस या सेम डिफरेंस आएगा तो ये यूनिफॉर्मली होगी अदरवाइज यहाँ नो लिखेंगे यहाँ कहीं पर भी फीस यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हुई है ओके स्टूडेंट्स ना तो क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट्स द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट द डेटा ऑन क्राइम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइव स्टेट्स इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव यानी टू थाउजेंड फाइव में ये क्राइम्स का रिकॉर्ड दिया है यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम दिए गए हैं देखिए और यहाँ पर जो है तमिलनाडु में क्राइम है थर्टी यानी कि थर्टी हंड्रेड्स हंड्रेड्स में और दिल्ली में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड्स और बिहार में थर्टी फाइव हंड्रेड और गोवा में जो है फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है ना तो विच स्टेट हैड रिपोर्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम सबसे ज़्यादा किस स्टेट में क्राइम हो रहे हैं तो आप ये दे देखिए सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं आपके पास यूपी में तो फोर्टी हंड्रेड यानी फोर थाउजेंड क्राइम्स हो रहे हैं टू थाउजेंड फाइव में विच स्टेट हैड रिपोर्टेड द मिनिमम नंबर ऑफ क्राइम्स तो सबसे कम जिस स्टेट में हुए हैं तो वो है गोवा गोवा में आपके पास फिफ्टीन हंड्रेड क्राइम्स हुए हैं ठीक है ना नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ क्राइम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स थे फोर फोर्टी हंड्रेड या हंड्रेड और लगा लेते हम ठीक है ना और यहाँ फिफ्टीन हंड्रेड अब फोर्टी हंड्रेड ठीक है ना अपॉन फिफ्टीन हंड्रेड इन दोनों का रेशियो निकालना है तो फाइव से कैंसिल करेंगे तो एट बाई एट अपॉन थ्री आएगा तो एट रेशियो थ्री हो गया इसका आंसर ओके स्टूडेंट्स नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अब ये वॉट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ़ द क्राइम्स रिपोर्टेड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड तमिलनाडु यानी कि इन दोनों का डिफरेंस तमिलनाडु और बिहार का बिहार में थर्टी फाइव हंड्रेड क्राइम हुए थे तो तम, तमिलनाडु में आपके पास थर्टी हंड्रेड क्राइम हुए थे इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया आपके पास फाइव हंड्रेड क्राइम्स का डिफरेंस आ गया ठीक है ना नाउ तो क्वेश्चन नंबर फाइव लुक एट द ग्राफ किविन बिलो ठीक है ना ये ग्राफ दे रखा है मार्स ऑप्टेंड बाई कुबेर ठीक है ना कुबेर के सब्जेक्ट दे रखे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में उसने एग्जाम दिए थे और ये मार्क्स हैं उसके कि इंग्लिश में फिफ्टी मार्क्स और हिंदी में थर्टी फाइव और मैथमेटिक्स में उसके एट्टी और जे सोशल साइंस में सिक्सटी और फिफ्टी के बीच में फिफ्टी फाइव मार्क्स हो गए और साइंस में जो है सेवेंटी और एट्टी के बीच में यानी सेवेंटी फाइव मार्क्स हो गए तो ये पूछे गए हैं क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है बारोग्राफ के अकॉर्डिंग कि रीड द रीड इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इन्फॉर्मेशन डज द बारोग्राफ गिव ठीक है ना क्या इन्फॉर्मेशन देता मार्क्स ऑप्टेंड बाई कुबेयर इन फाइव सब्जेक्ट्स ये हमें पर इंफॉर्मेशन मिल रही है बारोग्राफ से विच इन विच बी पार्ट है इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट कोर्ट द मैक्म मार्क्स सबसे ज़्यादा उसके किस में किस सब्जेक्ट में मार्क्स हैं तो देखते हैं सबसे ज़्यादा है हमारे पास मैथमेटिक्स में बारोग्राफ सबसे लंबा गया है इसका तो ये मैथमेटिक्स का राइट आंसर होगा ठीक है ना इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट वीक सबसे वीक किस में है वो तो देखते हैं इसका बारोग्राफ सबसे कम होगा तो यानी कि ये सबसे वीक है हिंदी में इसका आंसर हो गया हिंदी इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोड मोर देन सोशल साइंस बट लेस देन मैथमेटिक्स ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सोशल साइंस से ज़्यादा नंबर है लेकिन मैथमेटिक्स से कम है तो आपके बार, बार ग्राफ में देखिए इसमें साइंस के नंबर जो है सोशल साइंस से ज़्यादा हैं लेकिन मैथमेटिक्स से कम है तो वो साइंस हो गया सब्जेक्ट तो इसका आंसर होगा आपके पास स्टूडेंट साइंस ठीक है आपको ये सब ग्राफ पेपर पर पे बनाना है ये बार ग्राफ और आपको क्वेश्चन इसमें जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं तो लाइनिंग वाले पोर्शन की तरफ ये क्वेश्चंस करेंगे ओके स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस एक्सरसाइज गिवन बिलो इज़ अ बार ग्राफ स्विंग द हाइट्स ऑफ अ फाइव माउंटेन पीक्स यानी कि ये नंगा पर्वत ठीक है ना इसकी जो हाइट है वो एट हंड्रेड मीटर है ठीक है न और हमारे पास सॉरी एट थाउजेंड मीटर है और कंचनजंगा की जो हाइट है एट थाउजेंड टू हंड्रेड मीटर है ये हमारे पास अन्नपूर्णा की हाइट जो है सिक्स थाउजेंड मीटर है माउंट एवरेस्ट की एट थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर है और नंदा देवी माउंटेन की जो हाइट है वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर है तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं ये रीड द बारग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज़ द हाइस्ट पीक एंड वॉट इज़ इट्स हाइट तो हाइस्ट पीक इसमें आपके पास जो दी रखी है वो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट जो है वो एट थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर है ठीक है ना तो माउंट एवरेस्ट हो गया इसकी हाइट हो गई एट थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर अब वाट इज द रेशियो ऑफ द हाइएस्ट हाइट ऑफ द हाइएस्ट पीक एंड द नेक्स्ट हाइस्ट पीक सबसे हाइस्ट पीक और उससे आगे वाली हाइस्ट पीक तो आपके पास सबसे हाइस्ट पीक माउंट एवरेस्ट थी जिसकी हाइट जो थी वो एट थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर थी और नेक्स्ट हाइट पीक जो है कंचनजंगा है जिसकी कंचनजंगा की जो दे रखी है वो ये टू एट थाउजेंड टू हंड्रेड तो इनका रेशियो पूछा गया है तो हाइट्स ऑफ द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट हाइट नेक्स्ट हाइट ऑफ पीक ये कंचनजंगा की वो एट थाउजेंड टू हंड्रेड तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गए और टू से ये कैंसिल कर वो टू से कैंसिल करेंगे तो एट फोर्टी फोर ये फोर्टी वन टाइम तो इसका आएगा, 44, रेशियो आएगा फोर्टी फोर रेशियो फोर्टी वन ओके स्टूडेंट्स नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ द लोएस्ट पीक यानी सबसे छोटी पीक कौन सी है इसमें तो इसकी सबसे छोटी पीक जो है हमारे पास ये अन्नपूर्णा है तो इसका आंसर हो गया अन्नपूर्णा ठीक है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द हाइस्ट एंड द लोएस्ट पीक सबसे हाइस्ट पीक की हाइट जो थी वो एट थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर थी और सबसे लोएस्ट की जो है वो सिक्स थाउजेंड मीटर है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा टू थाउजेंड एट हंड्रेड मीटर हाइट का डिफरेंस आ जाएगा इसमें ओके स्टूडेंट्स